नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप देख रहे हैं क्यूरिन। तो गर्मियों के मौसम में लस्सी पीने से ताजगी भरा एहसास होता है। दही से बनने वाली लस्सी शरीर को गर्मी में ठंडक का एहसास देती है। इसके साथ ही लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। अगर किसी को अलग अलग फ्लेवर की लस्सी रोज़ मिले तो ताजगी भी रहेगी, साथ ही स्वाद भी भरपूर रहेगा। आप भी अगर सिंपल दही की लस्सी से उब चुके हैं तो आज हम आपको एक ऐसी लस्सी की रेसिपी बताने जा रहे हैं जिससे आपको नए फ्लेवर की लस्सी तो मिलेगी ही, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंगो लस्सी स्वाद सेहत से भरपूर होती है। अगर आपको आम पसंद है तो ये लस्सी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी फेवरेट भी बन जाएगी। तो आइए जानते हैं कि मैंगो लस्सी कैसी बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या इसकी सामग्री क्या रहने वाली है। तो आपको चाहिए 1 कप दही, घर का बना हुआ हो तो अच्छी बात है, 1 पका हुआ आम, 2 चम्मच शक्कर, आइस क्यूब्स, 1/2 चम्मच रूअफ़ज़ा, चुटकी भरी इलायची पाउडर और आपको कुकिंग टाइम लगेगा लगभग 10 मिनट का। तो अब विधि भी जान लीजिए। गर्मियों के मौसम में मैंगो लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले आप आम को छीन लीजिए। इसके बाद एक मिक्सिंग ब्लेंडर जार में आम के टुकड़ों के साथ दही, इलायची पाउडर, आइस क्यूब, शक्कर डाल लीजिए। आप अपने स्वाद के अनुसार लस्सी में शक्कर की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद सभी सामग्री को 5 मिनट के लिए मिक्सी में चला दीजिए। सभी चीज़ों का अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपने टेस्टी झटपट बनने वाली लस्सी को तैयार कर लिया है। अब इसे एक अच्छे से गिलास में सर्व करें, ऊपर से रूह अफ़ज़ा डालकर ठंडा ठंडा सर्व करें। मैंगो लस्सी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आप भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इसको आज ही बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको लस्सी कैसी लगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।